3500 रुपीज़ के। ये सारे देखें, ये भी वाइट में लगा हुआ है, लार्ज में। ये देखें, ये वाइट के ऊपर ग्रे है और ये वाला न्यूट्रल कलर्स में है। चाय कमाल है यार, बहुत अच्छी लगी। मस्जिद में आ गई हूँ, सांस चढ़ गया, ऊपर आई हूँ, थोड़ा सा सुकून था मैंने कहा। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू ऑल आर फाइन। कैसे आप सब लोग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो ना मैंने बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मैंने अभी जाना था सैलून। आपको पता है कि बस 2-3 दिन रह गए, अगर 29 रोजे तो फिर रान में क्या करते हैं कि फौरन से कह देते हैं कल इधर, रात के 10 बजे अनाउंस कर देते हैं, तो फिर जो भाग दौड़ लग जाती है। तो मैंने कहा यार मैं अपना मुंह पहले ही चमका लेती हूँ, अभी चली जाती हूँ सैलून और जना पेडिक्योर मैनीक्योर भी करवा लूंगी, फेशियल भी करवा लूंगी, आप लोगों को भी साथ लेके जाती हूँ, गप्पे शप्पे लगाएंगे। और जौन सा फेशियल कराऊंगी अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा कराती हूँ, हाइड्रा कराती हूँ, जेंसन का कराती हूँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। वैसे इन्हीं दोनों में से ही मैं कराती हूँ और इसके अलावा मैं अगर डर्मा वगैरह उसके मैं। चले जी अब हम बैठते हैं गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट कर ली। मामा मुझे आप लेके दें चीज़, ठीक है? तो आयमा को अभी चीज़ लेके देते हैं, लॉलीपॉप, ये वो गंदला जो बच्चों ने खाना होता है, तो उसको फिर मैं घर ड्रॉप करूंगी, फिर मैं जाऊंगी सैलून, ठीक है आयमा? हाँ ठीक है। अच्छा जी अभी जो है ना मैं आई हूँ सईदास करिश्मा में, ठीक है? यहाँ पे अभी इनकी रेनोवेशन चल रही थी तो अभी मैंने कहा मैं यहाँ पे चलती हूँ। वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? माशाल्लाह से जी सैलून तो बहुत चमक गया है। ये उस दिन मैं जब यहाँ पे आई हुई थी तो फुल रेनोवेशन हो रही थी और ये मतलब वाइट चीज आप देखें कि कितनी अट्रैक्ट करी है। पहले आई थिंक यहाँ पे क्या था, किस कलर का था? ब्लैक कलर का। ये इस वॉल पे ब्लैक कलर का था वॉलपेपर? अच्छा जी ये देखें जो ये वाली वॉल है ना, इस पे पहले ब्लैक और मेरे ख्याल से सिल्वर से कलर का था। अब आप चेक करें कि वाइट लुक कितनी ग्रेसफुल लग रही है और ये ग्रीन वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत अट्रैक्ट कर रही है मुझे सारी चीजें, बहुत फिट, ठीक है? और ये थ्रो लाइट्स तो कहाँ जाना है यार, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। चलो गुड, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। गुड, वाह जी मेरे लिए खुला है। कैसी हो मारा? ये मेरी हम नाम है, इसका नाम भी हमारा है। अच्छा जी ऐसा सीन है कि अभी जो है ना मैं यहाँ पे आई हूँ और सारी बच्चियाँ बहुत थकी हुई थी। आपको पता है जैसे कि रमज़ान चल रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अभी वैसे भी ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती, मैंने कहा मैं पेडी मैनी और आईब्रोज अपर लिप्स आज करवा लेती हूँ और फेशियल जो है ना मैं कल करवा लूँगी, क्योंकि जाहिर बात है बच्चियाँ भी बहुत थकी हुई हैं, यहाँ पर स्टाफ सारा। तो बस अभी जो है ना मुझे ये लगने लग रहा है, ज़रा सुकून से ये लगेगा, जहाँ तक लगता है वहाँ तक मेरी बाजू गोरी हो जाती है। तो सीन है कि अभी जो है ना मेरे साथ साथ जो है ना मैनीक्योर तो मेरा हो गया, हाथों का मसाज भी हो गया, ठीक है? अभी पेडीक्योर होने लगा था, एक पाँव का हो गया। मुझे भूख लग गई थी तो मैंने कहा यार मैं ज़रा चाय ही पी लूँ, यार इतनी फिट चाय आई है, ये चेक करें, इधर से चाय पी जा रही है और इधर से मसाज हुआ जा रहा है, सूजे में फुल पाँव होगा, ठीक है? तो अभी जो है ना क्या कहते हैं, मैंने कहा पेडी मैनीक्योर करा लूँगी, बच्चियाँ भी बहुत थकी हुई थी और मैं, मुझे भी आप यकीन करें कि रिलैक्स बहुत फील हो रहा है, क्योंकि अगर मैं अभी फेशियल कराती तो एक घंटा और मज़ीद लग जाता, तो आज आधा काम हो गया आधा काम कल। क्या सुकून मिल रहे हैं, मोटे पाँव मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे है ना? अच्छा जी मुंह तो मेरा नहीं चमका लेकिन हाथ और पाँव तो फुल चमक गए हैं। बाकी का काम कल कराऊंगी। अभी जो है ना उस दिन मैंने आयमा के जो कपड़े लिए थे ना वो H&O से, तो वो सारे छोटे थे, वो शर्ट्स वगैरह वो मैंने लेनी है अभी। मैंने कहा चेंज करा देती हूँ, आजकल तो पूरी आवाम मॉल्स में ही गई हुई है, मॉल्स में इतना रश होता है ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं भी चेंज करा देती हूँ, फिर आगे बहुत ज़्यादा रश। अच्छा जी अभी जो है ना मैं मॉल में आई हूँ, ठीक है? और ऊपर जाने लगी थी तो ये जो कपड़े उस दिन मैंने लिए थे कि मैंने चेंज कराने थे आयमा के ड्रेसेस, मैंने कहा ये चेंज करवा लेती हूँ। लिफ्ट से जाती हूँ यार, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं स्वेटर से जाऊँ, पर यही पता नहीं अब चेंज करके देते हैं या नहीं, लेकिन ट्राई करूंगी कि चेंज हो जाए, क्योंकि लिए मैंने 4 to 5 ईयर की शर्ट्स थी और आयमा जाने को वो पूरी नहीं आती, बहुत फट थी, तो मैंने कहा 5 से 6 साल वाली पकड़ लेती हूँ, ठीक है जी? अभी मैं आ गई हूँ, ये बड़ी लग रही है, मैंने कहा 5 to 6 ईयर्स वाली लेके जाती हूँ, क्योंकि ये वाली भी मैं 4 to 5 लेके गई थी, इसमें भी भाई 5 to 6 वाली दिखा दे, ये वाली दिखानी है आपने। हाँ ये वाला जी है ना, ये वाली, ये चेंज करवा दो प्लीज़ सारी चेंज। हाँ ये वाली, ये सारी 4 to 5 में लेके गई थी ना, तो आप 5 to 6 ईयर्स दे दो। उस दिन आई थी तो 30% ऑफ था, आज 50% लगा हुआ था यहाँ पे। इधर मैं एक और शॉप पे आई हूँ, यहाँ पे देखती हूँ कि क्या सीन है, क्या लगे हुए भाई, ये क्या प्राइस है इनकी? अस्सलाम वालेकुम, क्या प्राइस? 3000 टू पीस है, 3000 रुपीज़ का
स्टिच में, तो इसमें साइजेस मिलेंगे, साइजेस हैं या नहीं यहाँ पे अवेलेबल? वैसे मतलब मैं पूछ रही हूँ कि आपके साइजेस अवेलेबल हैं या नहीं। सही सही वाला इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत डिसेंट सा ना वाइट सा आपके। देखो पहले ऐसा होता था कि मैं वाइट कलर पहनती ही नहीं थी, अब वाइट कलर मुझे इतना अट्रैक्ट करता है जो भी चीज़ देखती हूँ। देखिए इसमें सी ग्रीन कलर भी है, लेकिन सी ग्रीन से ज़्यादा जो वाइट में इसकी ग्रेस आ रही है ना, बहुत प्यारा। ये वाइट की क्या प्राइस है इस वाले की? 3500 रुपीज़ का आएगा ये सब। 3500 रुपीज़ के ये सारे देखें, ये भी वाइट में लगा हुआ है लार्ज में। ये देखें ये वाइट के ऊपर ग्रे है, और ये वाला न्यूट्रल कलर्स में है, मल्टी कलर्स में लगा हुआ है। ये वाला भी 3500 का टू पीस थे। इसका ट्राउजर कैसा है? प्लेन है, प्लेन ट्राउजर्स हैं, और बैक पे भी सारे सेम है। सरप्राइज लेके आई हूं, ये लो ब्लू कलर की टंग मेरी बेटी की, ये लो। 2 hours later अभी जना मैं मस्जिद में आ गई हूँ, सांस चढ़ गया, ऊपर आई हूँ, थोड़ा सा सुकून था, मैंने कहा आराम से बैठ के जना नफल पढ़ूंगी, नमाज पढ़ूंगी। लोग माशाल्लाह से इतकाफ में बैठे हुए ऊपर ना यार, ऊपर लाइट क्यों नहीं चल रही? अच्छा उस साइड पे है, चले चले। 27वीं की रात है, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना माफ़ करे, हमारी इबादतें कबूल करे। सांस चढ़ गया बहुत ज़्यादा। अच्छा जी मस्जिद गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नफल पढ़े। पहले मैं नीचे बैठ के पढ़ी थी, तो वहाँ पे मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया, फिर मैंने कुर्सी ली वहाँ पे बैठ के पढ़े काफ़ी देर, 2-3 घंटे बैठी रही। फजर की नमाज़ के बाद इतना सुकून मिला, सब के लिए मैंने इतनी ज़्यादा दुआ की, अपने लिए, सब लोगों के लिए, जिन लोगों ने कहा कि हमें औलाद नहीं हो रही, उन सब के लिए मैंने बहुत दुआ की। और जिसकी भी कोई भी मसलियत हो, कोई भी इशू, जितने भी लोगों की जो भी परेशानी है, अब मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की कि मैं सबको अपनी दुआओं में याद रखूं। आप सब लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें जी, बहुत शुक्रिया। A few moments later हम लोग मस्जिद से माशाल्लाह से होके आ गए। मैंने आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, अपने लिए, सबके लिए। तो अभी जो ना मैं दोस्त के घर पे आई हूँ, क्योंकि फरहान आज बहुत बिजी था, फरहान ने कहा था मैं शहरी के बाद आऊँगा, दोस्तों के साथ दिया हुआ था। ये आप चेक करें जी, ये देखें, ये मेरी दोस्त आज अंडे बना रही है। रोज़ मेरी कहीं ना कहीं सहरी आजकल दोस्तों की तरफ हो रही है। और ये जी शौकर भाई को बहुत ज़्यादा शौक है। शौकर भाई कहते हैं कि मेरी भी वीडियो बनाए। बताएं शौकर भाई कुछ कहना चाहते हैं या नहीं? कितने बंदों की बना रहे हैं आजकल सहरी इफ्तारी? बाजी 10 बंदों रोज की। फिर अपने रोजे का सुनाए, रोजा तो आपको बहुत लगता होगा फिर। अच्छा चौरस पराठे बनाते हैं या बल्लों वाला आता है आपको? आज जी शौकत भाई ने कड़ी बनाई है, आगे से बोल भी दो। आज कड़ी बनाई है, वो कड़ी जी गर्म हो रही है यहाँ पे, ये देखें आप। वाह जी वाह शौकत भाई, ये जरा चेक करके ना मैं भी पास करके बताती हूँ कैसी है, ठीक है? चौरस पराठे शौकत भाई कुछ अलग ही, शर्माओ ना तुसा। ये जी अभी फरहान को मैंने कहा यार देख मांडो, मैं असल में झुक नहीं सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, तो साथ साथ ये डब्बे बनते जा रहे हैं। और मैंने कहा शॉपर भी फरहान कह रहा खोलो, मैं इस चेयर पे बैठ जाऊँ? फरहान बैठ सकती हूँ? हाँ यार इतनी तो स्मार्ट हो, आराम से बैठ सकती हूँ, मजबूत। अल्लाह खैर करेगा, मैं आपकी हेल्प कराती हूँ ना। ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं आपकी हेल्प कराती हूँ फरहान, क्योंकि आज 27वीं का था। मैंने कहा चलो हम लोग जो है ना बांट ले यार, ये पहले मैंने सोचा था कि घर पे इफ्तारी बनाऊंगी, लेकिन मैं जो है ना बहुत थक गई थी, मैंने कैसे बहुत सारे लोग खा रहे थे। चलो फरहान ये जो अभी 5 मिनट हो जाइए खत्म, काफी मार चुके हैं।